एक बार एक राज्य का राजा अपने राज्य के भ्रमण के लिए महल से बाहर आता है। संध्या काल में जब भ्रमण कर वो वापस महल को लौटता है तो महल के बाहर एक भिखारी को खड़ा पाता है। भिखारी के हाथ में एक पात्र, एक बैगिंग बाउल होता है। राजा भिखारी के पास जाके पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम्हें क्या चाहिए? तो भिखारी अपना पात्र, अपना बैकिंग बाउल दिखाकर राजा को कहता है कि जो मुझे चाहिए वो आप नहीं दे पाएंगे। ये सुन के राजा बड़ा आश्चर्यचकित होता है और भिखारी से कहता है कि तुम शायद जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं इस राज्य का राजा हूँ और ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। राजा की बात सुन के भिखारी कहता है कि यदि आप मेरे इस पात्र को भर दें तो मैं सच में समझूंगा कि आप इस राज्य के राजा हैं। राजा कहते हैं कि मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और अपने मंत्रियों को महल भेजकर महल से कुछ हीरे जवाहरात मंगा लेते हैं। भिखारी के पात्र को हीरे जवाहरात से भर देते हैं और भिखारी के हाथ में देते हैं, परंतु ये क्या, पात्र तो खाली हो जाता है। राजा को बड़ा अचंभा होता है, वो और हीरे जवाहरात लेते हैं और उस पात्र में डालते हैं, परंतु फिर पात्र खाली हो जाता है। ऐसा करते करते राजा की सारी धन संपत्ति उस पात्र में चली जाती है, परंतु वो पात्र भर नहीं पाता। अब राजा के पास उस पात्र में डालने के लिए कुछ भी नहीं है और राजा अपनी हार को स्वीकार कर लेता है। भिखारी से बड़े विनम्र होकर राजा पूछता है कि ऐसा क्या है इस पात्र में, क्या है ऐसे बैगिंग बाउल में जो कि ये कुछ भी डाल देने से, कितना भी डाल देने से भर नहीं रहा। तो भिखारी राजा को उत्तर देता है कि ये जो पात्र है इसे मैंने ह्यूमन ईगो से, यानी कि मनुष्य के अहंकार से बनाया है और दुनिया की कोई वस्तु इसे संतुष्ट नहीं कर सकती। राजा को भिखारी की बात समझ में आ जाती है और हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमारे जीवन की सार्थकता अपने अहंकार को संतुष्ट करने में नहीं है, बल्कि अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जानने में और उसके अनुसार कार्य करने में है। हरे कृष्णा।